नज़ारे पे नज़ारा है, देखते रहो। तो कैसे हैं आप सब सारे के सारे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगा। तो भाई आज का वीडियो तो घूमने के लिए भी होगा और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा, तो शुरू से एंड तक जरूर देखना। कि भाई मैं बताऊंगा मैं आप लोगों को कि भाई कि जर्मनी का जब इंटरव्यू हुआ था मेरा, मतलब एम्बेसी का मेरा इंटरव्यू होता, उसमें मैंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे और मैंने क्या क्या उनको जवाब दिए थे, ठीक है? तो शुरू से एंड तक जरूर देखना। अपलोड किया था जो, तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए, सॉरी बहुत सारे बोल रहे थे भाई चला जाना चाहिए। यार देखो मेरी लाइफ है, देखो मेरी लाइफ, मेरे को पता है कि भाई मुझे करना क्या चाहिए, राइट? और बहुत अच्छी कंट्री है भाई जर्मनी, माल्टा बहुत अच्छी कंट्री है, जर्मनी तो जर्मनी है भाई, ठीक है ना? लेकिन भाई दुबई भी किसी से कम नहीं है, ठीक है ना? आई लव दुबई, लेकिन जो मेरा प्लान है वो दूसरा है, ठीक है ना? मतलब कुछ और करना है चाह रहा हूँ मैं, मतलब पता नहीं मेरे से होगा नहीं होगा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, आप लोगों तक जरूर। पहले तो देखो मैं हूँ किधर पे, ठीक है? मैं लेने आया हूँ आज नज़ारे, समझो बात ना। तो मैं हमेशा इधर पे आता हूँ, यार मजाक कर रहा हूँ, मैं हमेशा इधर पे आता हूँ, मतलब जब भी मतलब बोर हो जाता हूँ। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद में आया इधर पे, आप लोगों को तो पता ही है, दिखाता हूँ मैं आज आप लोगों को कहाँ से करो भाई। ये देखो गोरिया ही गोरिया, जानते होंगे ना आप लोग, हैं? इसको तो सब जानते होंगे। ये वही है मतलब पूरी दुनिया का ऑल द वर्ल्ड 7-स्टार होटल, ये वाला। अब इसके सामने ये बन गया, मतलब जैसे प्लेन होता है ना, पानी वाला जहाज होता है, ऐसा बन गया, बनाया होटल है। ये देखो नज़ारे नज़ारे, देखो नज़ारे, ये देखो साइकिल चला रही है। तो ये वही जगह है जहाँ शाहरुख खान वगैरह भी घूमता रहता है। और मेरा बीच पर नहाने का तो दिल आज नहीं है, ठीक है? तो ये देखो मैं जहाँ भी जाता हूँ, आपको पता है ना मैं खाने का सामान हमेशा रखता हूँ, अभी मेरी गाड़ी में भी रखा हुआ है। देखो आप लोग पता है, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल भर किसी का दुखाई हो ना, खाना मैं हमेशा दबा के खाता हूँ। तो मैं मतलब रोटी कम खाता हूँ, ये बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाता हूँ, इसलिए मैं मोटा नहीं होता कभी भी। 6-7 मतलब 7 साल होने वाले हैं, फिर भी देख लो ऐसे कैसी है। वीडियो शुरू करने से पहले तो देखो यार मैं हूँ कहाँ से, देखो मैं हूँ बोर्ड जलर पे, जुमेरा बीच पे। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई मेरे को क्वेश्चन क्या क्या किए थे मेरे को इमिग्रेशन में, जब मेरा इमिग्रेशन हुआ था। हो गए इधर पे 2 घंटे से ज़्यादा हो गए, अब मैं भी 2 घंटे और बिताने वाला हूँ इधर पे, मेरे साथी उधर पे नहा रहे हैं। लेकिन मेरा नहाने का बिल्कुल भी प्लान नहीं है आज, मैं तो पहले ही बोला था भाई मैं नहाऊँगा नहीं आज। इधर पे उधर पे वो पूरा बीच, इधर पे नीचे दिख रहा है ना, वो पूरा भरा हुआ है अंदर। पहले ऐसे लग रहा है बंदा, क्योंकि इसलिए लगाया था रंबल मतलब रेता, जो रेत होती है ना वो चली जाती है अंदर, इसलिए इधर पे लगाया था मैंने। देखो लो, तो भाई सीन है ऐसा कि भाई जब मैं इमिग्रेशन में गया, मतलब जर्मनी का जब मेरा इंटरव्यू हुआ, पहले सबसे पहले तो मेरे को कंपनी वाले ने इंटरव्यू लिया था। उसने मेरे को क्वेश्चन किए थे, मतलब नॉर्मली क्वेश्चन थे जो हम लोग सोचते हैं ना कि भाई सामने वाला सी है उसको कुछ पता, मतलब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई जो सामने वाला इंटरव्यू ले रहा है बंदा, वो उसको कुछ नहीं पता, वो सी है, ठीक है ना? लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं होता। वो जिस काम का, मेरे को जर्मनी में ड्राइविंग की जॉब थी, ठीक है ना, कि जॉब मैंने अप्लाई किया था वो थी एक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी थी, उसमें ड्राइविंग की जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया था, ठीक है ना? सैलरी अच्छी खासी थी, मतलब एवरीथिंग इज़ बेटर, बट मैंने पहले ही बोला था मतलब कि भाई मैं आ भी सकता हूँ नहीं भी आ सकता हूँ, मतलब माल्टा के बारे में मैं किसी दिन बताऊँगा। तो जब मैं मतलब वीडियो कॉलिंग पर बैठा था, मतलब जो हमारा इंटरव्यू था वो था, मतलब 15 मिनट का मेरा इंटरव्यू लिया था उन लोगों ने लाइव वीडियो कॉलिंग में, तो यही पूछा था कि भाई आपने सबसे पहले नाम पूछते हैं, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस पूछते हैं, और फिर आ गया कि भाई आप, बोला कि भाई आप इंडिया में क्या करते थे, फिर भाई आप दुबई में क्या करते हो, ठीक है ना, कितने टाइम से आप दुबई में हो। उसने मेरे साथ नॉर्मली क्वेश्चन किए, मेरे बारे में पूछा, ठीक है। उसके बाद में आ गया सीधा मेन टॉपिक पे कि भाई आपको क्या जॉब दुबई में करते हैं, कितना टाइम हो गया, आप क्यों छोड़ रहे हो इधर से दुबई से, ठीक है ना,
आप जर्मनी क्यों आना चाहते हो? सेंजन में इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, 28-27 के करीबन आई थिंक कंट्री हैं, जर्मनी क्यों सिलेक्ट कर रहे हो? ठीक है ना, आप हमारी कंपनी क्यों आपने चूज़ किया? ठीक है ना, बाकी मेरा सब कुछ उनके पास, मेरा CV एवरीथिंग, मतलब मेरा लाइसेंस सब कुछ उनके पास था। ठीक है ना, तो आपने लाइसेंस कब बनाया था? गाड़ी चलाते हो आपको, मतलब आपके पास अपनी गाड़ी है, कंपनी की गाड़ी है दुबई में, कैसे आपका जॉब होता है, किस टाइम से किस टाइम तक होता है? ठीक है ना, कितने आवर्स करते हैं सब कुछ, मतलब उसने मेरे साथ 15 मिनट में मेरे साथ यही क्वेश्चन मतलब मेरे बारे में पूछे। ठीक है ना, बाद में उसने मेरे को बोला कि भाई ओके ओके, हम लोग आपको मेल के जरिए हम आपको बताएंगे, राइट। और बाद में उसने मेल के जरिए सेलेक्ट कर लिया था मुझे, उसके बाद में उन लोगों ने ऑफ़र लेटर भेज दिया था। फिर ऑफ़र लेटर के बाद मैंने VFS में अप्लाई कर दिया था वीज़े के लिए। फिर मेरे को इधर से एम्बेसी का, मतलब जो VFS की जो डेट मैंने लिया था उधर पे गया, उनका जो मेन क्वेश्चन उनके थे भाई, उन लोगों के भी, कि भाई आप जर्मनी क्यों जाना चाहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन थे, जर्मनी क्यों जाना चाहते हैं आप, इस कंपनी में कैसे गए, कैसे इंटरव्यू दिया। ठीक है ना, मतलब मुश्किल से इन लोगों ने मेरे को, सच बताऊँ, मुश्किल से 1.5 मिनट इन लोगों ने मेरे को बैठाया होगा बस। इन लोगों ने बोला ओके, तो बाद में इन लोगों ने बोला पासपोर्ट अपना जमा करवा दो, पासपोर्ट मैंने जमा करवा दिया, बाद में प्रिंट हो गया आगे जर्मनी का वीज़ा। मतलब जो मेरे मेन जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन जो रहते हैं वो रहते हैं VFS वालों के, एम्बेसी वालों के, लेकिन मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन किए कंपनी वाले ने। ठीक है ना, लेकिन मैं जा नहीं रहा हूँ, मेरा ये है कि अगर जो कोई बंदा भी जाना चाहता है फ्यूचर में, अगर जो जाने का दिल होता है, क्वेश्चन होते हैं भाई जो आपको कंपनी वाले, इमिग्रेशन वाले ने मेरे को पूछा, मेरा पासपोर्ट पूछा, नाम पूछा। ठीक है, उसके बाद बोला आप दुबई में कौन सी जॉब करते, कितने टाइम से कर रहे हो, और जर्मनी क्यों जाना चाहते हो, बस इसके अलावा उसने मेरे को कुछ नहीं पूछा। ठीक है ना, मतलब 3 या 4 मतलब 1.5 मिनट उसने मेरे को उधर पर बैठाया ना, उसने बोला ओके डन। ठीक है ना, कि आई विल बी इन्फॉर्म, मतलब वो ये नहीं बताते कि आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, वो बोलते हैं पासपोर्ट जमा करवा लो बस, आपका पोस्ट के जरिए आपको आ जाएगा। बाद में जब अप्रूवल आ गया, मतलब देखा भाई ये तो डन हो गया, तो फिर खुशी होती है ना यार, चलो भाई जो मैंने किया एंड वो, मतलब मेरा इंटरव्यू दोनों जगह में सिलेक्ट हुआ, क्योंकि मैं भी यार आप लोगों की तरह ही हूँ, सही है ना, मैं भी इधर पे जॉब करता हूँ। ठीक है ना, मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं है कि भाई बस ओनली बस आप लोग समझते हो ना, ठीक है, ज़्यादा मैं बोलता नहीं, जितने बंदे मेरे को फॉलो करते हैं 80,000 हो जाएंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको गिफ्ट देने वाला हूँ। जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था कि भाई 80,000 के बाद मैं बताऊंगा आपको कब और कैसे मैं गिफ्ट देने वाला हूँ, गिफ्ट बहुत बड़े दूंगा। ठीक है ना, जो बंदे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, दुबई आना चाहते हैं, ठीक है ना, मतलब समझो समझो ना बात को। ठीक है, बाकी मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया था, और लो भाई नज़ारे देखो, बुर्ज अल अरब देखो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, आपने कहाँ से कहाँ मेरे को बैठा दिया। ठीक है ना, और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से देखो मैं हमेशा कहीं भी रहता हूँ वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों से नई नई इन्फॉर्मेशन अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने के बारे में आप लोगों को हमेशा मैं वीडियो बना के आप लोगों तक बताता रहता हूँ। तो अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं आप लोगों तक बहुत सारी बातें, टेक केयर, बाय बाय। मैं ले लेता हूँ अभी हरियाली के नज़ारे। ठीक है।